राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी होली स्पेशल ठंडाई बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये सभी को बहुत पसंद आती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठंडाई बनाने के लिए हम 2 कप चीनी लेंगे, 1/4 कप काजू लेंगे, 1/4 कप बादाम लेंगे और 2 चम्मच पिस्ता लेंगे। साथ ही हम 2 चम्मच खसखस लेंगे, 2 चम्मच काली मिर्च लेंगे, 2 चम्मच सौंफ लेंगे और 9 से 10 इलायची लेंगे, 2 चम्मच तरबूज के बीज लेंगे। हमने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, हम इसमें बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, खसखस डालेंगे, तरबूज के बीज डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, इलायची डालेंगे, सौंफ डालेंगे और इसे पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि अभी ये फाइन पाउडर नहीं बना है। अब हम इसे कंटेनर में निकालेंगे और इसे चीनी के साथ फिर से पीसेंगे। हम इसी जार में आधी चीनी डालेंगे, हम एक साथ पूरी चीनी नहीं डालेंगे। साथ ही हम इसमें काजू और बादाम का मिश्रण डालेंगे जो हमने दरदरा पीसा है, इसे भी हम पूरा नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे और इसे पीसेंगे। हमने इसे पीस लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। हमने यहाँ पे एक छन्नी ली है, हम इसमें पिसा हुआ पाउडर डाल देंगे और इसे छानेंगे। हमने इसे छान लिया है, आप देख सकते हैं जो मिश्रण बचा है हम इसे दोबारा से चीनी और काजू बादाम वाले मिश्रण के साथ पीस लेंगे। हम फिर से इसी जार में आधी चीनी डालेंगे, छानने के बाद जो मिश्रण बचा था उसे डालेंगे और जो हमने काजू बादाम का मिश्रण पीसा था उसे डालेंगे और इसे पीसेंगे और इसे पीसने के बाद छान लेंगे। हमने इसे छान लिया है, अब हम इसे हटा देंगे। हमारा ठंडाई पाउडर बनके तैयार है। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस ठंडाई पाउडर से ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। हम इसी जार में 1 कप दूध डालेंगे, हमने दूध को पहले से उबाल के फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठंडाई पाउडर में भी चीनी डाला है। अब हम इसमें ठंडाई पाउडर डालेंगे और इसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। हमारी ठंडाई तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने इसे सर्व कर लिया है, अब हम इसे कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, हमारी टेस्टी ठंडाई बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप होली में घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे।